से एडजस्ट करना ऑनलाइन में हो जाता है। चलो कल जो हम लास्ट जो स्टार्ट किया था हमने, जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो था बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, नोट्स आपके पास हैं ही, मैंने कल आपको बता दिया था इंटरफेस का मतलब क्या होता है। इंटरफेस का मतलब होता है कि दो मीडियम को जो अलग करने वाली सरफेस होती है, ठीक है, दो मीडियम को अलग करने वाली जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, जो कि अपन ने कल ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया था। हम इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। इसके आगे का ये है कि टॉपिक जो हमें कह रहा है कि कोई इंटरफेस है, मान लो ये इंटरफेस है इस तरह से, इसको कर दिया एक्स वाई, एक्स वाई को इंटरफेस है जिसमें यहाँ पर तो क्या है मीडियम वन, ये है हमारा मीडियम वन और ये दूसरा हो गया मीडियम टू। मीडियम हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है, ठीक है, जहाँ से कि लाइट प्रोपगेट होती है जिसमें उनको हम क्या बोलते हैं मीडियम बोलते हैं, ठीक है, उन सब्सटेंस को। तो ऊपर एक मीडियम वन हो गया, नीचे एक मीडियम टू हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब लाइट रेज पे इंसिडेंट होगी तब क्या होगा। तो देखो मान लो लाइट रे जो है यहाँ पर आके इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, तो ये लाइट रे आई और इस जगह इंसिडेंट होगी, ठीक है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब क्या होता है, ऐसी सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट करती है, सेपरेट करती सेपरेट है, करती है। उसको हम क्या बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस इंटरफेस पर एक लाइट रे है, वो लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट रे क्या होगी, थोड़ी और अच्छी बना देते हैं अपन इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइट रे का क्या क्या हो सकता है, तो लाइट रे के साथ क्या हो सकता है, एक तो केस ये है कि लाइट रे इसी तरफ कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ लाइट रे विल गो इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। वन थिंग इज, वन पॉसिबिलिटी इज दैट दैट आफ्टर द आ रेंज आ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेस इट विल बाउंस बैक इनटू अ सेम मीडियम। द सेकंड केस इज दैट 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 लाइट रे विल पास थ्रू इनटू अ अनदर मीडियम, ठीक है, आप इसे मत समझना, मान लो ये हो गया, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट दिस लाइट रे विल पास इनटू अ अनदर मीडियम, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप यहाँ पर देखो, यहाँ ए ओ जो है, ए ओ को इंसिडेंट रे बोलेंगे, एक्स वाई को क्या बोलेंगे अपन, इंटरफेस बोलेंगे, और ये जो ओ बी है, ओ बी जो लाइट है, यहाँ देखना आप, ओ बी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक रिफ्लेक्टेड है। सो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेस देयर कुड बी अ चांस दैट इट विल बी बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम व्हेन अ लाइट रे इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। देखो मान लो ये जो लाइट रे है सन से आ रही है, कहाँ से आ रही है, सन से, तो सन से जो लाइट रे आ रही है उसके पास एनर्जी भी होगी, ठीक है। सो सम पार्ट ऑफ इट इट विल गो और बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, तो कुछ पार्ट इसका लाइट रे का कहाँ चला गया, इस मीडियम में चला गया। जो फिनोमिना ये इधर जो वापस गया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रे है ओ बी, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट केस दैट द इट कुड बी पॉसिबल दैट सम पार्ट ऑफ अ लाइट रे विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। द सेकेंड थिंग इज दैट सम पार्ट ऑफ अ लाइट रे विल ट्रांसमिट इनटू द अनदर मीडियम, सम पार्ट ऑफ लाइट रे विल ट्रांसमिट इनटू अ अनदर मीडियम। सो देयर इज, यू विल गेट दिस रे ओसी एंड दिस ओसी इज कॉल्ड रिफ्रेक्टेड रे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्रेक्टेड रे बोलेंगे। समझ में आई यही बात, इस ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इसलिए इस रे को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रेक्टेड रे। समझ में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। तो हम ये चलो पढ़ना, हाँ बोलो, सर, देखो अगर सेम मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कहेगी, और अगर डिफरेंट मीडियम में जाएगी तो हाँ रिफ्रेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी इंटरफेस देन देयर विल बी अ चांसेस दैट इट विल बाउंस, दैट सम पार्ट ऑफ इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। व्हेन द लाइट रे विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन इंटरफेस देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे जब किसी इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है और उसके बाद अगर वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है या उसका कुछ हिस्सा सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर अगर वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाती है, जैसे कि ये मीडियम वन था और ये मीडियम टू है, अगर वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है, एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रेक्टेड रे, ओसी यहाँ पर क्या है, रिफ्रेक्टेड रे है। समझ में आई नहीं आई बात, बोलो। ठीक है आप सर। दोनों, ठीक है समझ में आई। तो ये चीजें होती है, अब वन बाय वन हम लेके चलते हैं टॉपिक। ठीक है ये हमारा हो गया, नोट्स आपके पास प्रॉपर नोट्स यहीं से ही है ना, वहां से और आप अच्छे से। ठीक है चलो, अब इतना स्टडी करने के बाद, इतना जब आपने सारा स्टडी कर लिया, अब जाके अपन अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं जो कि बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। ठीक है जो अपना मेन टॉपिक है इसका, और वो है लॉ, वो है अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मेन टॉपिक है, ध्यान रखना। इसी के अंदर मिरर वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है क्या टॉपिक है अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है अब देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर, यहाँ बनाते हैं फिगर है ना। सो देर इज अ इंटरफेस विच इज एक्स वाई, और इस इंटरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो ये इंटरफेस ही बोलेंगे तो इसको इंटरफेस ही। ठीक है तो ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरे मीडियम का अभी इधर केस बनी नहीं रहा। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान से देखते आना जो मैं बता रहा हूँ। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक पॉइंट लेंगे अपन ओ, दिस इज पॉइंट ओ। सो एक्स वाई इज अ, व्हाट इज एक्स वाई, एक्स वाई इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक्स वाई इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो सबसे अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका नाम क्या है बोलो, ऐसी सरफेस जो कि मिरर, हाँ मिरर, क्योंकि वो एक हाईली फिनिश्ड जो है सरफेस होती है जो कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है तो मिरर जो होता है हमारा वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो एक्स वाई जो है वो क्या होगी अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, कहीं जगह मिरर भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हाईली पॉलिश सरफेस होती है विच विल रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है भाई, हाँ वो अपन ये लॉ आप देखेंगे। ठीक है फिर मैंने यहां पर एक ले लिया पॉइंट ओ, पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे बेटा इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जहां पर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अपन क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं, और ये नॉर्मल किसका, नॉर्मल मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये जो सरफेस है एक्स वाई, इसके 90 डिग्री पर आपको बनाना है ये एन एन डैश। तो एन एन डैश क्या हो गया यहाँ पर बोलो, व्हाट इज एन एन डैश, एन एन डैश नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, पूरा पूरा लिखना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एन एन डैश इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम एक रे बनाते हैं, एक रे बनाई हमने, दिस इज द, दिस इज अ रे, इसको हमने नाम दे दिया ए। सो व्हाट इज ए ओ, दिख रहा है यहां तक, व्हाट इज ए ओ, ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ आई, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, तो हमें मिल गई ओ बी। व्हाट इज ओ बी, रिफ्लेक्टेड रे। अभी जो भी बोर्ड पे बना हुआ है वो समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर, यस। यू कैन डिफाइन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन द व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिक्कत है कुछ भी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है और वो अपने सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है, इसको फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आगे जाके हम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं वो हम इमेज फॉर्म करेंगे मिरर से, क्योंकि मिरर जो होती है वो एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है जो कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है और उससे बहुत अच्छी इमेज फॉर्म होगी आपकी, तो इसलिए हम आगे जाके मिरर पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया, यहां मैंने आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, और जिस समय आप रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहे हो उस समय आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। समझ में आई यहाँ तक बात। दो चीजें और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा, वो है आई और आर। ठीक है आई एंड आर, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल आई, एंगल आई इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस,
इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो, इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है आपका एंगल आर, इसको क्या बोलोगे आप? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, या अपन बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का एंगल होता है, तो कौन बताएगा भाई किस किस नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल हाँ, और आप दोनों सही है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कभी भी भूलना नहीं है, ध्यान रखना है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पूरी पूरी लाइन बोलनी है जैसे सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। मैं अभी क्वेश्चन करूंगा, पूछूंगा, टाइम बचेगा तो। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो बोर्ड पर अभी जो बताया गया है वो ये बताया गया है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है जो कि आपके पास है, साथ में आपको बताई गई है टर्म्स कौन कौन सी है जो कि रिफ्लेक्शन में जब आप डिफाइन करोगे रिफ्लेक्शन को तो आपको आनी चाहिए। बोर्ड पर अभी जो भी लिखा हुआ है अगर वो आपको समझ में आ गया है, ओके है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, बताओ। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि वापस से एक इम्पोर्टेंट अब आपके टॉपिक चालू हो गए जो आपके बुक्स में मिलेंगे आपको। इससे पहले मैंने आपको सारी थोड़ी जानकारियां दी थी, है ना, तो यहाँ पर अपने पास अब आ जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या वो तो टॉपिक है पूरा, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ो, रिफ्लेक्शन मैंने कोर्स ओवरव्यू नहीं देखा, कोर्स ओवरव्यू पे वीडियो देखना एक बार उसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुत आसान है, जो कि याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ईजी से है पर याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्या बोलता है अपन से कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे का मतलब AO, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब OB और नॉर्मल का मतलब NN-, ये सारे के सारे क्या है? एक ही प्लेन में लाए करते हैं। जैसे कि ये आपका व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। कैसे प्लेन है? इसके जो डायमेंशन है वो सिर्फ दो ही डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? दो डायमेंशन है। इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, थर्ड डायमेंशन नहीं है इसके पास। सो द यू कैन सी हियर दैट दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एन एन डैश ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब इस बोर्ड पे लाए कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, ये सब लोग, ठीक है बेटा। दूसरा सेकंड लॉ ये है इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ जाएंगे दोनों लॉ, लिखने को आएंगे तो बता दो। यस सर, ठीक है, अपन अपन बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं बोर्ड का, पर ध्यान रखना अभी मैं जब आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े एडवांस वाले, तब यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यही काम आएंगे आपके। बड़े बड़े डायग्राम होने दो। आज कराए थे ना क्लास में मैंने प्लेन मिरर का इमेज फॉर्म करके बताया आपको, जबकि मैंने कोई रूल्स नहीं सिखाया आपको, पर आपने देखा किस तरह से इमेज फॉर्म कर दी अपन ने, क्योंकि छोटे छोटे से लॉज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको आती है तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर मैं वापस से रिवाइज करता हूँ क्या क्या कर लिया है अपन ने। हमने टर्म्स डिफाइन करी हैं, कुछ टर्म्स डिफाइन करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना को डिफाइन करा है। उसको डिफाइन करने के बाद हमने दोनों लॉज देख लिए, इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं तो ये दोनों लॉ देख लिए। यहाँ तक बताओ, ठीक है, चिन्ह में आया? हाँ भाई हर्षित, एंजल, आया समझ में? नो डाउट सर, आ गया समझ। डाउट नहीं है तो कोई डाउट नहीं है तो मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ देखना ध्यान से, इसका आंसर करना,
ठीक है, अगर आपने नोट्स देख लिए होंगे तो आप आंसर कर दोगे, अगर नोट्स नहीं देखे तो शायद आंसर करने में दिक्कत आएगी। तो कुछ इस तरह से ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई इस तरह से, ठीक है, एक और लाइट रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से। तो आप क्या देखोगे, इधर नॉर्मल बना दोगे, ये इंसिडेंट एंगल होगा इसका, तो इसको वापस इसी पे भेज दोगे, यही लॉ पढ़ा है ना आपने, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा नॉर्मल बना दो तो आपको ये एंगल पता लग जाएगा, फिर इसको इधर भेज देना, तो आप देखोगे कि ये जो है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये दो लाइट रे आई, और भी आ सकती है, तीसरी भी बना दो लो, ये एक और लाइट रे आ गई, ठीक है। और इधर देखो एंगल देख लो, ये जितना एंगल है उतने से इधर बना देना, ये आपने एक और बना दी, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, कि नहीं है भाई, इंसिडेंट रे जो है और सारे के सारे पैरेलल है, ग्रुप ऑफ लाइट रेस को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट भाई दोनों, हाँ वेरी गुड, ग्रुप ऑफ लाइट रे जो होता है उसको चलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस तरह से जब बीम ऑफ लाइट आती है तो एक जो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उससे क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी सब क्या जाती है, पैरेलल जाती है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, दूसरा डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरह से, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ पहले आप देखो, आपको तो बस ये चेक करना है ये कितने पर है, उतने का उतना इधर बना देना है, ठीक है। मान लो एक लाइट रे इधर आई, यहाँ आ गई, फिर आपको देखना है कि ये कितने का है, तो ये थोड़ा ज्यादा है तो इधर चला गया। तो इस तरह से जो लाइट रे आपको मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी, वो क्या एक दूसरे के पैरेलल होगी या नहीं होगी, ये बताओ। नहीं होगी। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको। और इस वाले को आप क्या नाम बताया था इसका, एक और डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज है ना, यही पढ़ाया था ना आपको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, बोलो। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, एक तो आप ये ध्यान से रख सकते हो कि ये तो रेगुलर सरफेस है, प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसी है, इरेगुलर है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, केस वन में या केस रेगुलर रिफ्लेक्शन, सर केस वन में रेगुलर रिफ्लेक्शन, केस वन में या केस टू में, सर केस वन में। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह फॉलो होगा, हाँ जो हमने लॉ थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है आपको, लॉ बताया बीम के लिए थोड़ी बताया, रे के लिए बताया, कोई सी भी रे उठा लो, ये रे उठाओ, ये रे में जो इंसिडेंट एंगल है वही तो रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है वही तो रिफ्लेक्टेड एंगल है, और यहाँ भी देख लो, यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है वही तो रिफ्लेक्टेड एंगल है, यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वही तो रिफ्लेक्टेड एंगल है, क्यों भाई एंगल समझ में आया नहीं आया, चाहे किसी भी तरीके, बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन हो, किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है, लॉ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन शीट भी देंगे उसमें भी आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हर जगह फॉलो होता है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक है। और बताओ कुछ पूछना हो तो, नो सर नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज अपनी एक पूरा हुआ, ठीक है, क्या पूरा हुआ ये, फिर वापस चौथी बार कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई, फिनोमिना क्या होता है, थोड़ी छोटी मोटी टर्म्स हो गई। अब रिफ्लेक्शन मेनली होता किससे, जो कि अपन होता तो बहुत सारी चीजों से, पर अपन जो इस बुक में स्टडी करेंगे, जो सिलेबस में वो करेंगे मिरर। तो इसके बाद अपना जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो अपना मेजर टॉपिक है, और उस मेजर टॉपिक के अंदर हम अब क्या स्टडी करने वाले हैं, मिरर, ठीक है। तो देखो आप नोट्स बना लेना है ना, यहाँ तक के तो नोट्स दिए हैं मैंने आपको, और इस तरह से क्या होगा अपन थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, और जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना फाउंडेशन का
वो ज्यादा टाइम दे पाएंगे अपन को डेरिवेशंस करने में, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है मिरर, ठीक है। क्या पढ़ोगे आप? मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर्स सब जानते हो मिरर क्या होता है, पर जब डिफाइन करना हो हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाँ, तो जब आपको डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे? इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हिच इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग अ गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, व्हिच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट इज अ मिरर? मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के मैक्सिमम पार्ट को जो रिफ्लेक्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मिरर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ मिरर की। मिरर कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिरर में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले एक मिरर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेन मिरर, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। दूसरे टाइप का जो मिरर है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। बहुत आसान है पता लगाना कि भाई कौन सा प्लेन मिरर है कौन सा स्फेरिकल मिरर है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में है आपके पास वहाँ। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सही है? समझ में आ गया? प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। yes, ये बताओ इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो राइट साइड वाली है कि लेफ्ट साइड वाली है? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? या राइट की तरफ है या क्रॉस की तरफ है? राइट साइड वाली, राइट की तरफ है, ठीक है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है कि सिल्वर्ड होती है? पॉलिश्ड होती है। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। तो ये सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो ये क्या दिखा रखा है इसने? ये क्या करा हुआ है? हाँ, कभी घर का कांच हो ना, छोटा वाला कांच, उसको पीछे से देखना, ये हो जाता है सिल्वर्ड, ठीक है। यानी उसको पोत देते हैं किसी चीज से पीछे से, ताकि जो लाइट रहे, जो लाइट एनर्जी, वो पास नहीं हो जाए और मैक्सिमम लाइट एनर्जी, लाइट क्या हो आपकी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पॉलिश सरफेस होती है जो कि क्या होती है आपकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर होता है जिसमें कि जो सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी होती है? प्लेन होती है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड होती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ पूछना है? yes, no doubt, sir. कौन से वाले? नहीं नहीं, वो अलग सर, की क्लास लेट होगी। बस ये कर रहा हूँ मैं तो खत्म, मैं सोच रहा था आप बोलो, बस दो मिनट करते हैं क्लास ना। अच्छा सुनो, इसको फिनिश करता हूँ, बाकी फिर जो इसकी टर्म्स रिलेटेड है वो अपन कल ले लेंगे ना, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर कल ले लेंगे। देखो इधर, तो प्लेन मिरर हो गया आपका। प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होती है? कर्व्ड होती है। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होगी? कर्व्ड होगी। अब जो कर्व्ड सर्फेस है वो ऐसे भी हो सकती है, इसको सर्फेस को ये कर दिया, तो ये वाली सर्फेस क्या है इसकी? ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे ही एक अपन ने ये बनाया, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? इस तरफ वाली। तो अगर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो, अच्छा इनवर्ड्स आउटवर्ड्स कैसे डिफाइन करते हैं? इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे से, ठीक है। जो इंसिडेंट रे जैसे आ रही है, अब ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो आप क्या कहोगे कि ये कर्व क्या है? अंदर की तरफ है। तो कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, तो कौन सा मिरर होगा? वो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और ये अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। कॉनवेक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। समझ में आया आज का लेक्चर? समझ में आया? यस। अब इसके बहुत इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है जो की अपन को करना है। ये अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और कई लोग ऑनलाइन में इसलिए डर जाते हैं कि ये इस तरह से छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है दुनिया में,
और ये तो चलता रहता है क्या नहीं, प्रॉब्लम आती रहती है। पर अपनी लेक्चर हो गया और हमने पढ़ लिया, सबसे अच्छी बात। ठीक है, कल हम मिरर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कल मैं आपको स्फेरिकल मिरर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब सिखाऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको वो टर्म्स आनी चाहिए, क्लास मिस मत करना किसी भी तरीके से, और नोट्स वगैरह वहाँ तक के अपने पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ बोलना है पूछना है तो बताओ। ठीक है एंजल? नो सर। ठीक है बेटा,